भाजपा नेता नरेंद्र मीना ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन अब मुझे उपचुनाव में मौका नहीं दिया गया। उनके इस बात से कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई और माहौल बेहद भावुक हो गया। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। अविभाजित उदयपुर जिले के सलूंबर सीट पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बगावत के संकेत सामने आ रहे हैं। पार्टी के नेता नरेंद्र मीना, जिन्हें टिकट नहीं मिला, कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक बुलाई, जहां उनकी भावनाएं फूट पड़ी और वह फूट फूट कर रोने लगे। मीना की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्होंने पार्टी के लिए वर्षों तक मेहनत की, लेकिन उन्हें उपचुनाव में मौका नहीं दिया गया। मीना द्वारा बुलाई गई बैठक में उन्हें समर्थकों की भीड़ जुटी थी। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन अब मुझे उपचुनाव में मौका नहीं दिया गया। उनके इस बात से कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई और माहौल बेहद भावुक हो गया। मीना के समर्थकों ने उन्हें संतावना देने की कोशिश की और पार्टी के प्रति विश्वास बनाए रखने की अपील की। सलूंबर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीना की पत्नी शांता देवी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि नरेंद्र मीना भी सीट पर प्रबल दावेदार थे। शांता देवी के चयन से मीना और उनके समर्थकों में असंतोष बढ़ गया है। मीना ने कहा कि वह पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन टिकट न मिलने से वह गहरे आहत है। नरेंद्र मीना ने कहा कि वह सोमवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और इस बारे में निर्णय लेंगे कि वह चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। उनके बगावती तेवरों के मद्देनजर भाजपा के वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं, ताकि पार्टी की एकता बनी रहे। सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा लगातार 3 बार से जीतती आ रही है। यहां से अमृत मीना 3री बार विधायक बने थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनकी पत्नी शांता देवी को सहानुभूति का लाभ उठाते हुए प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की यह रणनीति मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए है, लेकिन मीना की नाराजगी पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकती है। वहीं आपको बता दें, भाजपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। झुंझुनू विधानसभा सीट से राजेंद्र भांभू को टिकट दिया गया है, तो वहीं रामगढ़ सीट से सुखवंत सिंह को टिकट मिला है। दौसा सीट पर किरोड़ी लाल मीना के भाई जगमोहन मीना पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं बात करें देवरी उनियारा सीट की, तो सीट से राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया गया है। क्वींसर विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रेवत राम डागा को टिकट दिया है। वहीं सलूंबर सीट, जिस सीट की हम बात कर रहे थे, तो वहां से शांता देवी मीना को टिकट दिया गया है। वहीं 7वीं सीट 84 के लिए अभी किसी चेहरे को सामने नहीं किया गया है। इस सीट पर अभी भी मंथन जारी है। बता दें कि सभी 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। इससे पहले नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई है। वहीं 20 अक्टूबर रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।